Assalamu alaikum, jawano aur khamarano. Welcome back to the very first lecture of chapter number 7, first year physics, that is oscillation. Now, dear jawano, aaj ke lecture mein hum jo topic padhne wale hain, balki topic to nahi balki topics padhne wale hain, because kuch basics hain aur kafi sari basics hain jo ki is chapter ke liye aapko janna zaruri hai, theek hai? So basics hain aur kuch differences hain wo aapko samajhne honge, theek hai ji? To sabse pehle मैं स्टार्ट कर लेता हूं किसके ऊपर जी, पीरियोडिक मोशन के ऊपर. व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, पर उसके ऊपर मैं ऑसिलेशन की बात आता हूं कि व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन पहले मैं पीरियोडिक मोशन पे आ जाता हूं. देखिए, सिंपल डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप ये सारी की सारी चीजें, मैं हट जाता हूं कैमरे से, आप सारी की सारी चीजें लिख लो पहले, ताकि आपको फिर लेक्चर में लिखने की जरूरत ना हो, बस सिंपल आपको फिर सुनना होगा, ठीक है? आई बिलीव आपने लेक्चर लिख लिया होगा स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है? ओके, चले. सो पीरियोडिक मोशन क्या है? मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो मोशन जो कि खास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, ऐसे हर मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे. देखिए, पीरियड से निकला है, सिंपल बात है. सो पीरियोडिक मोशन मींस कि जो अपने खास मुकर्रकत के मुताबिक क्या करे, अपने आप को रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. अच्छा जी, अब ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर आते हैं. व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? अच्छा, और एक और बात यहां पर, जो खास रेगुलर टाइम है ना, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है जी, जो यहां पर मैं कहता हूं कि जो अपने आप को एक खास टाइम के बाद रिपीट करता है, तो वो खास टाइम है ना, जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, उसको हम कहते हैं क्या, सादा अल्फाज में वी कॉल दैट थिंग टू बी इक्वल टू टाइम पीरियड, ठीक है जी? राइट, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको पता ही है, लेकिन आखिर में यहां पर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है जी? सो दैट्स टाइम पीरियड, ठीक है. अब आते हैं ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर. तो सिंपल जी, आपने मैट्रिक के जमाने से आप जो है ये सुनते आ रहे हो कि द टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन, और सिंपल टू एंड फ्रो मोशन का मतलब ये है बैक एंड फोर्थ, या सिंपल आप कह सकते हो कि ना टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है जी? अच्छा, अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, और वो क्या है? वो है जी द टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन. अब इसको जानना बड़ा लाजम है, ठीक हो जी? व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन पोजीशन मीन? याद रखिएगा, मेन पोजीशन किसी बॉडी की वो पोजीशन होगी जहां पर वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा. क्या रहेगा? अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है जी? राइट, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इस मास स्प्रिंग सिस्टम को, जो कि एक मास जुड़ा हुआ है स्प्रिंग के साथ, जिसको हम अगले लेक्चर में SHM के थ्रू समझने भी वाले हैं बड़ी डिटेल के साथ, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है. तो मास स्प्रिंग सिस्टम अगर आप देख लो, मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग, तो इसमें मास जब अपने एक खास पोजीशन पे पड़ा हुआ है, जब आपने एक्सटर्नल सोर्स की थ्रू उसको नहीं छेड़ा, और जब मैं कहता हूं कि आपने एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उसको नहीं छेड़ा, मतलब आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब आपने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने उस सिस्टम को कोई एनर्जी फराहम नहीं की. सिस्टम कौन है मेरा? मास स्प्रिंग सिस्टम. तो जब आप किसी सिस्टम को, यानी कि मास स्प्रिंग सिस्टम ओवर हेयर, उसको आप कोई एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू फराहम नहीं करते, राइट, तो सिंपल बात है, वो अपने एक अनडिस्टर्ब पोजिशन पर रहना चाहता है और रहता है. दैट अनडिस्टर्ब पोजिशन कॉल्ड मीन पोजीशन, या जिसे कभी कभार इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह दिया जाता है, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक हुआ जी? तो ये मीन पोजीशन हुआ, ओके. और इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन कौन सा है? कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स कौन होता है? मैं या आप, ठीक है? तो क्या होता है जी, कि वो एक एक्सट्रीम पर चला जाता है, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फासला फ्रॉम द मीन पोजिशन, दैट पोजिशन इज कॉल्ड व्हाट? एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है जी? राइट, सो एक्सट्रीम पोजिशन उस मीन पोजिशन के दोनों साइड पर हो सकता है, इधर भी एक एक्सट्रीम और फिर यह जा रहा है एक ये वाला एक्सट्रीम, ठीक है जी? सो ये आपके पास सिचुएशन है. अच्छा जी, अब डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, अब आपका कॉन्सेप्ट यहां पर जो है वो क्लियर होना चाहिए. देखते जाए, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो सिंपल बात है जी, दिमाग में बिल्कुल अपने कोपड़ियों में ये जो है वो बांध ले ये बात, कि हर ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते. लेट मी से इट अगेन, एवरी ऑसिलेटरी मोशन विल ऑलवेज बी पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑलवेज
ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है जी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पीरियोडिक मोशन की शर्त क्या है जो अपने आप को रिपीट करे खास टाइम के बाद? तो सिंपल बात है, अगर आप एक प्लैनेट को कंसिडर करो और वो सन के अराउंड मूव करे, तो ये भी तो एक खास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है ये मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इधर से प्लैनेट स्टार्ट हुआ और ये सन है और ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और 365 डेज के बाद उसी पॉइंट पर आ गया। तो ये 365 डेज का एक टाइम गुजरा, अगले 365 डे में वो फिर से उधर आ गया, अगले 365 डेज में वो फिर से इधर आ गया। तो देखिए, ये पीरियोडिक मोशन हुआ कि नहीं? बिकॉज यहाँ पर जो मोशन है वो अपने आप को रिपीट कर रही है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। तो देखिए, ये पीरियोडिक मोशन तो हुआ, लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी है? नो, इट इज स्ट्रिक्टली व्हाट, सर्कुलर मोशन, अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं, राइट। तो सिंपल बात ये है कि अगर मैं ऑसिलेटरी की तरफ आ जाऊं, राइट, तो ऑसिलेटरी दिस इज अ मीन पोजिशन, और ये क्या है, ये लेटर से पेंडुलम का मोशन है। अगर आप ये देख लो, दिस इफ यू लुक एट ओवर हेयर, नाउ ओवर हेयर द पेंडुलम इज स्विंगिंग ओवर इट्स मीन, अबाउट इट्स मीन पोजिशन। सो इट इज व्हाट, पीरियोडिक मोशन एज वेल एज ऑसिलेटरी, राइट। लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, दैट इज द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन और बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो भी पीरियोडिक ही होता है, लेकिन वो ऑसिलेटरी तो नहीं है। तो सिंपल बात ये है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन विल बी पीरियोडिक, बट नॉट एवरी पीरियोडिक मोशन विल ऑलवेज बी ऑसिलेटरी, यानी कि सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है और सर्कुलर मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। सो आप कह सकते हो कि ऑसिलेटरी मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। लेट मी राइट इट लाइक दिस, ऑसिलेटरी मोशन is a special case of periodic motion। ठीक हुआ जी, ओके। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब एक और बात, ये जो स्टूडेंट्स को बड़ा परेशान करता है कि सर ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें फर्क क्या है? बिकॉज इसको भी डिफाइन किया गया है क्या, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और इसको भी डिफाइन किया गया है द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। दोनों ही टू एंड फ्रो मोशन है, दोनों ही बैक एंड फोर्थ मोशन है ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो फिर एक ही चीज के लिए दो डिफरेंट अल्फाज का क्या मतलब हुआ, राइट? तो सिंपल बात यह है कि देर इज नो सच डिफरेंस। हाँ, अगर आप रियलिटी में डिफरेंस समझना चाहते हो, तो सिंपल बात यह है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन के लिए ऑसिलेशन का टर्म तब यूज किया जाता है जब उस पर्टिकुलर ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, स्मॉल फ्रीक्वेंसी हो, जब बहुत ही स्मॉल फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है जी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम अगर आप देख लो ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत स्मॉल होती है। फिलहाल के लिए आई एम अज्यूमिंग कि फ्रीक्वेंसी आपको पता है, दैट इज नंबर ऑफ साइकल्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। यहां पर मैं आता हूं थोड़ी देर बाद, ठीक है जी, राइट। लेकिन अगर एक ऐसा टू एंड फ्रॉम मोशन हो ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन किसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, हाई फ्रीक्वेंसी, राइट, हाई फ्रीक्वेंसी, राइट, फिर एक्चुअली जो टर्म यूज किया जाता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन के लिए, तो हम प्रेफरेबली फिर वाइब्रेशन का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है जी। बस ये दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी दोनों ही टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट मानेंगे, और इन दोनों का एक डिफरेंस जब हम पेंडुलम को समझेंगे ना, तो उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। तो अब आते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ। एक हमारे पास सबसे पहले जो है वो है फ्रीक्वेंसी, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको पहले से पता है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, या सिंपल टोटल वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस तरह भी यानी कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है। कैसे बनता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनता है? दैट इज टोटल वाइब्रेशंस या टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आई शुड से, फिर ज्यादा ईजी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या फिर ऑसिलेशंस, यानी कि अगर स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो ये करो, हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये करो, ठीक है जी। सो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस / ऑसिलेशंस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। तो जब आप ये करते हो ना, तो
ऑटोमेटिकली आपके पास क्या जाता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मींस एक सेकंड के अंदर, राइट। तो अगर मैं कहूं कि लेट अस से हमारे पास एक पेंडुलम है या चलिए मास स्प्रिंग सिस्टम है, और मास स्प्रिंग सिस्टम क्या कर रहा है जी, उसकी जो टोटल वाइब्रेशंस हैं, टोटल वाइब्रेशंस जो हमने काउंट किए या सॉरी आई शुड से ऑसिलेशंस, आपकी अपनी मर्जी है जो यहां पर आप एज्यूम करते हो, सो टोटल वाइब्रेशंस लेट अस से हुए 20। अब यहां पर यूनिट नहीं लिख सकता मैं, बिकॉज नंबर है ना, इट्स जस्ट अ नंबर, 1, 2, 3, 4, इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है जी। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, और लेट अस से टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम जो लगा वो लेट अस से लगा मैं कह देता हूं 10 सेकंड्स का, यानी कि 10 सेकंड के अंदर 20 ऑसिलेशंस हुए या वाइब्रेशंस हुए, ठीक हुआ। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या, इट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स, राइट। तो यहां पर हो जाएगा क्या, ये 10 1 10 10 2 10, तो ये हो जाएगा 10 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशंस पर यूनिट सेकंड, ठीक हुआ जी। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि हर एक सेकंड के अंदर दो दो वाइब्रेशन हो रहे हैं, हर एक सेकंड के अंदर दो दो वाइब्रेशन हो रहे हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी। और इसका एसआई यूनिट क्या बनता है, इसका एसआई जो यूनिट बनता है, एसआई यूनिट इज हर्ट्ज, इज हर्ट्ज, ठीक है जी। और हर्ट्ज जो है वो क्या है, इट इज एक्चुअली नथिंग बट सेकंड इनवर्स, देखिए ऊपर तो नंबर है ना, तो नीचे क्या है, सेकंड, तो सेकंड इनवर्स, ठीक है जी। आफ्टर फिज इज कॉल्ड हर्ट्ज, ओके। अब आते हैं टाइम पीरियड के ऊपर, व्हाट इज टाइम पीरियड, इट इज द टाइम फॉर सिंगल वाइब्रेशन, टाइम फॉर सिंगल वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन के लिए लगने वाला जो टाइम होगा ना, वो टाइम पीरियड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। देखिए जी, अब यहां पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में एक ताल्लुक बनता है, ठीक है जी, वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। आई बिलीव आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, ये साइड वाला, शाबाश, ओके, मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, और वो क्यों, देखते जाएं। अब मैं इन दोनों का ताल्लुक बना देता हूं, देखते जाएं, जिस तरह से मैंने ये एग्जांपल लिया ना, ठीक है जी, इस एग्जांपल को देखिए, टोटल वाइब्रेशंस कितने हुए या ऑसिलेशंस 20, और टोटल टाइम कितने हुआ 10 सेकंड्स, ठीक है जी। यानी कि 10 सेकंड के लिए ये 1, 2, लेट अस से मैं अगर पेंडुलम ले लूं, लेट अस से, राइट, तो ये आपके पास हुआ ये वाला, ठीक है जी, मीन पोजिशन, दिस इज वन एक्सट्रीम, दिस इज अनदर एक्सट्रीम, ठीक है जी। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां तक, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, अगर तो फ्रीक्वेंसी हाई है, और अगर स्मॉल है तो फिर दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। लेकिन अच्छा, अब यहां पर टोटल वाइब्रेशन 20, टोटल टाइम लगा 10 सेकंड, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या निकल आई, 2 वाइब्रेशन पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या आई, यानी कि आपके पास आ रहा है 2 वाइब्रेशन इन अ सिंगल सेकंड, यानी कि 2 हर्ट्ज, या चले लिख देता हूं 2 वाइब्रेशन पर सेकेंड, राइट, ये आपके पास हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 वाइब्रेशन अगर 1 सेकंड के अंदर हो रहे हैं, तो आप कह देते हो कि ये है 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं, गौर से देखिएगा, दिस इज द टाइम फॉर अ सिंगल वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, सो गौर से देखें, 1 सेकंड के अंदर 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं या 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, तो 1 वाइब्रेशन कितने सेकंड के अंदर हो चुका होगा, राइट, इट्स राइट, बिल्कुल। अगर 2 वाइब्रेशंस 1 सेकंड में हुए हैं, तो यहां पर 2 की बजाय जब मैं 1 लिखूंगा, तो 1 की बजाय यहां पर हाफ लिखूंगा, इज दिस क्लियर। सो द थिंग ओवर हियर इज, देखिए दिस इज 1, 2, राइट, सॉरी 1 वाइब्रेशन एंड 2 वाइब्रेशन, ठीक हुआ जी। सो ये 2 वाइब्रेशंस 1 सेकंड में हुए, तो यहां पर आपके पास 0.5 सेकंड इसके लिए लगा और 0.5 सेकंड इसके लिए लगा, तो उस सिंगल वाइब्रेशन के लिए, सिंगल वाइब्रेशन के लिए, यानी कि ये वाला और फिर यहां से लेकर यहां तक ये वाला, इस सिंगल वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगा वो तो ये वाला लगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टाइम पीरियड, ठीक है जी। सो टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, द रिसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू द रिसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज गौर से देखिएगा यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज, तो जब 2 पुट करूंगा तो t इज इक्वल टू हाउ मच, 0.5, और चूंकि यहां पर हर्ट्ज ऊपर जाके, तो सेकंड इनवर्स, वापस उसका इनवर्स लो तो सेकंड आ जाएगा, तो वही यूनिट आ गया, इज दिस क्लियर। तो सिंपल आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी की यहां पर एक और डिफिनीशन, कि फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली इक्वल टू द रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज एक्चुअली इक्वल टू द रिसिप्रोकल ऑफ
फ्रीक्वेंसी. इज दिस क्लियर? राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा, डू नॉट मिक्स दिस टाइम विद दिस टाइम ओवर हेयर. इस डिफिनीशन के अंदर जो टोटल टाइम है ना, उसको आपने इस वाले टाइम के साथ कंफ्यूज नहीं करना. गौर से देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 की सलाड़ा. सो 20 वाइब्रेशंस के लिए जो टोटल टाइम लगा, उस टोटल टाइम को यहां पर आपने पुट करना है इस फॉर्मूले में, दैट इज 10 सेकेंड्स. लेकिन जब मैं टाइम पीरियड कहता हूं ना, तो टाइम पीरियड इज एक्चुअली नॉट द टोटल टाइम टेकन फॉर दोस टोटल वाइब्रेशंस. टाइम पीरियड इज स्पेसिफिकली द टाइम टेकन फॉर दैट सिंगल वाइब्रेशन. ठीक है जी. तो सिंगल वाइब्रेशन के लिए क्या होगा? सिंपल, दैट इज 0.5 सेकंड्स. इज दिस क्लियर? राइट. तो चूंकि दो वाइब्रेशंस एक सेकंड में हो रही है, तो एक वाइब्रेशंस हाफ सेकंड में होगा, और हाफ सेकंड को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड. ठीक है जी. तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई. तो ये आपके पास क्लियर हो गया. अच्छा जी. और चूंकि टाइम है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड. आयशा बसे. ओके, देखिए अब आते हैं किसकी तरफ? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की तरफ. तो सिंपल बात हो गई जी. अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट देखते जा. इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो यहां पर तो एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टाइम. एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अब ये मैं क्या कहता हूं, ये इंशाल्लाह समझ, यानी कि टाइम की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करो, आपको एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज मिलती चली जाएंगी. ठीक हुआ जी. दूसरा, तीसरी बात यह है कि ऑसिलेशन मोशन में एक्स जो है, या एस एच एम में जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इज इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द मीन पोजिशन. एक्स ऑलवेज टेकन या मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन. अब ये मैं क्या कह रहा हूं, ये इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो सिर्फ आप अपने साथ लिख लेंगे वाला. ठीक है जी. तो ये आपके पास हुआ, यानी कि जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, अब इस फुटेज में अगर आप देख लो, या इस एनिमेशन में अगर आप देख लो, सो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीन पोजिशन से इस वाइब्रेटिंग बॉडी का, इस ऑसिलेटिंग बॉडी का कितना फासला है, तो उस किसी भी पॉइंट पर क्या होगा कि आप, वो डिपेंड करेगा कि टाइम कितना हुआ है ड्यूरिंग द होल ऑसिलेशन उस पॉइंट तक. राइट. तो आप टाइम के मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करोगे, एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज आती चली जाएंगी. ये हम इंशाल्लाह एस एच एम में पढ़ेंगे. सो दिस इज द थिंग. अब एम्पलीट्यूड पे आ जाते हैं. सो एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली द मैक्सिमम पॉसिबल फासला ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन. यानी कि ये मीन हुआ, राइट, और ये जा रहा है बिल्कुल जो एक्सट्रीम का फासला है मीन से, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फासला फ्रॉम द मीन पोजिशन. दैट पर्टिकुलर फासला इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ठीक है जी. और एक और इंपॉर्टेंट बात कि एक वाइब्रेशन के अंदर, राइट, कितना फासला कवर होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो एक वाइब्रेशन के अंदर 4 times द एम्पलीट्यूड का फासला कवर होता है. कैसे? और से देखिएगा यहां पर, राइट, यानी कि अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, राइट ओवर हियर, सो सिंपल बात यह है कि दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये हो गया जी मीन पोजिशन, ये लेट अस से एक्सट्रीम, ये लेट अस से अनदर एक्सट्रीम. तो सिंपल बात यह है कि देखिए, अगर मैं यहां पर मीन पोजिशन से, दिस इज अ मीन पोजिशन, दिस इज एन एक्सट्रीम पोजिशन, this is another extreme position, right? So this is a MP, this is EP, this is EP, extreme position. ठीक है जी. तो यहां से अगर मैं बॉल को, या इस बॉब को रिलीज करूं, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक एक एक्स नॉट हो गया, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फासला ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन. तो एक फासला कवर हुआ किसका? एम्पलीट्यूड का. फिर यहां पर वो रुकता नहीं है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, पर यहां तक मूव करता है, तो एक दूसरा भी कवर हुआ, राइट. तो 2 मरतबा कवर हुए. अच्छा, अब उधर से जब वापस आएगा इधर तक, तो तीसरा भी कवर हुआ, और फिर जब इधर तक वापस आएगा तो चौथा भी कवर हुआ. तो देखें, इस बॉडी का यहां से मूव करना और फिर वापस इसी पॉइंट तक आ जाना, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन. वन, वी विल अंडरस्टैंड दिस, राइट, इन द सिंपल पेंडुलम. तो वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू हाउ मच फासला? इज इक्वल टू 4x0. राइट जी. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक वाइब्रेशन के अंदर एक बॉडी
कितना फासला कवर कर लेती है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, तो वो कितना करती है, फोर टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। इज दिस क्लियर? तो ये डिस्टेंस है, ठीक हुआ जी, राइट? तो फोर टाइम्स ऑफ द दिस थिंग वो कवर करती है। अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज नथिंग बट अ फैंसी वर्ड फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, जो आपने चैप्टर नंबर 5 पे पढ़ रखा है, मुझे ये मिटाना होगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। शाबाश। ओके, नाउ व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? तो जवानों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना, इट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। एंड आई एम अज्यूमिंग आपको एंगुलर वेलोसिटी का थोड़ा बहुत पता है, याद है आपको। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी वाज नथिंग बट एंगल पर यूनिट टाइम या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सिंपल। अब हम अगर वन रेवोल्यूशन के लिए कर लें, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास एक रस्सी है, ये उसके साथ मैंने एक मास को जोड़ दिया हुआ है, ये उसका सेंट्रल पॉइंट, और ये बॉडी जो है ये लेट अस से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है आईशब से, ठीक हुआ जवानों, राइट? अच्छा, अब देखिए, अब ये आपको सर्कुलर मोशन नजर आ रहा है कि नहीं? पीरियोडिक मोशन है, लेट अस से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, अगर आप इसी सर्कुलर मोशन को, राइट, गौर से देखिएगा, इस तरह करके, हाँ 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 हाँ, साइड से देख लो, राइट, इस तरह, राइट, तो आपको यही बॉडी वाइब्रेशनल मोशन करती हुई नजर आएगी, राइट, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, ये हो गया। या अगर आप ऐसे कर लो कि इसके ऊपर एक लाइट लगा दो, राइट, लाइक दिस ओवर हियर, राइट, लाइट सोर्स, और आप क्या कर लो, आप इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी की प्रोजेक्शन को यहां पर देखते जाओ, समथिंग लाइक दिस, ठीक हुआ, राइट? तो यहां पर अगर आप एक बोर्ड रख दो और इसकी प्रोजेक्शन को आप स्टडी करते जाओ, तो इधर से जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसका प्रोजेक्शन लेटस से बन जाता है किधर, इसका लेटस से प्रोजेक्शन बन जाता है यहां पर आयशा बसे, तो ये उसका प्रोजेक्शन बन गया, राइट, साया, राइट, शैडो। तो जब ये इधर से इधर तक पहुंचेगा ना, राइट, लेटस से यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, राइट, तो इसका जो शैडो होगा ना वो यहां तक पहुंच चुका होगा, यहां तक, अगर मैं इसके ऊपर फिर से वो करूं, हाँ 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 हाँ, तो इसका शैडो यहां तक पहुंच चुका होगा, राइट, जब ये यहां तक पहुंचेगा तो इसका शैडो यहां तक पहुंच चुका होगा। देखते जाए जरा गौर से, मैं एक एक ड्रॉ करने वाला हूं, यहां पर जब शैडो यहां तक पहुंचेगा तो सॉरी जब ये बॉडी यहां तक पहुंचेगी, ठीक है जी, यहां पर कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूं, राइट, तो शैडो जो है वो ट्रेवल कर चुका होगा किधर तक, यहां तक, ठीक हुआ जी। अगेन, जब ये ऑसिलेटिंग, सॉरी, जब ये रोटेटिंग बॉडी या आइसोटे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने वाली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली बॉडी, जब ये यहां तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली इसका शैडो यहां तक पहुंच चुका होगा, राइट जवानो, राइट, तो यहां तक पहुंच गया। जब ये रोटेट करके यहां तक पहुंच जाएगा, आइसोटे सर्कुलेट टू बी मोर्स एक्यूरेट, तो यहां पर इसका शेडो वापस इधर से इधर तक पहुंच चुका होगा, ट्रैक करते जाए, और जब ये वापस उसी पॉइंट तक पहुंच जाए जिस पॉइंट से आया था, इस पॉइंट से शुरू हुआ था ना, दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, और शेडो का भी ये स्टार्टिंग पॉइंट था मोशन का, तो सिंपल बात यह है कि वो शेडो भी वापस इधर तक पहुंच जाएगा, यानी कि जब वहां पर एक पूरा का पूरा रिवोल्यूशन हो जाए, दिस इज कॉल्ड टू पाई रेडियंस, टू पाई रेडियंस, जो कि बराबर होता है वन रेवोल्यूशन के। तो जब यहां पर पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन हो जाए तो यहां पर पूरा का पूरा वन ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन हो जाता है, ठीक हुआ, दैट्स द मेन थिंग। तो यहां पर फॉर वन रेवोल्यूशन, फॉर वन रेवोल्यूशन अगर मैं करूं, तो जिस तरह से आपको नजर आ रहा है पूरा का पूरा जब वो रोटेट कर जाता है, राइट, तो ऑटोमेटिकली वहां पर उसका जो शैडो है वो एक मर्तबा जो है वाइब्रेट कर जाता है या ऑसिलेट कर जाता है। तो मैं जब एंगुलर वेलोसिटी की, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, तो फॉर वन रेवोल्यूशन, फॉर दिस विल आई विल पुट वन रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाई, और चूंकि ये पूरा का पूरा टाइम जो लगा वन, जब वो अपने मोशन को फिर से इधर से रिपीट करने लगेगा, तो उसको टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। जब मैंने पीरियोडिक मोशन में कहा था कि दैट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड, 1t, तो देखिए 1t, 2t, 3t, और यहां पर जब ये 1t होता है तो वहां पर उस वाइब्रेशन का 1t हो जाता है, ठीक हुआ जी। सो गौर से देखिएगा, तो वन रेवोल्यूशन, और अगर रेडियन में पुट करो तो इट विल बी 2 पाई
रेडियंस पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हो कि दिस इज 2 पाई, एंड चूंकि 1/T इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द ताल्लुक बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और तेरी खैर, अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी राइट एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लीनियर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं राइट, बिकॉज दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द शैडो या प्रोजेक्शन पर यूनिट टाइम, व्हाइल दिस इज द नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम, इज दिस क्लियर। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या रोटेशंस पर यूनिट टाइम एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम आर लिंक्ड टुगेदर बाय दिस फार्मूला, दैट इज 2 पाई f मल्टीप्लाई बाय लीनियर फ्रीक्वेंसी, सॉरी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय द f, दैट इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल बात यह है कि यहां पर हम एक डिफिनेशन SHM की ये भी पढ़ते हैं, सिंपल हमारे क्वेश्चन जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, कि सिंपल बात यह है और ये इस पूरे चैप्टर की रू यही चीज है, इसको हम समझेंगे बड़े डिटेल के साथ, ठीक है जी। और वो ये है कि सिंपल बात ये है कि द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बड़ी जनरल डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है जी राइट। सो ये हम बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो ये कुछ बेसिक्स चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है, बड़ी डिटेल के साथ यहाँ पर हमने समझा, और ये चीजें इंशाल्लाह से हमारी काम आने वाली है इन SHM, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा पामान।